यूक्रेन युद्ध में तुर्की ने एक सधा हुआ पक्ष अपनाया था। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने कई बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की मेज पर आने की अपील की थी, लेकिन नेटो में रहते हुए गाजा युद्ध में तुर्की का रुख एकदम उलट है। तुर्की हालिया दिनों में न सिर्फ अमेरिका के खिलाफ गोलबंदी कर रहा है, बल्कि वो इसराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील भी कर रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका काफी परेशान है। और अब इसी कड़ी में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने एक ऐसा ऐलान किया है जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की विदेश नीति के खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है। दरअसल एर्दोगन ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी ओआईसी से गुजारिश की है कि वो गाजा युद्ध को लेकर एक शिखर सम्मेलन बुलाए, जिससे इस युद्ध पर चर्चा हो सके। इसके अलावा एर्दोगन ने मुस्लिम देशों से ये भी अपील की है कि वो इसराइल के साथ अपने गठबंधन को कमजोर करे, जिसे वो इसराइल का विस्तार बताते हैं। और इसको लेकर एर्दोगन का कहना है कि इसराइल यरूशलम में अलक्सा मॉस्क पर हमले करके अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ा रहा है। तुर्की का कहना है कि यरूशलम और मस्जिद, जिसे यहूदियों के लिए टेम्पल माउंट के नाम से जाना जाता है, वो एक लाल रेखा थी जिसे इसराइल पार करने की कोशिश कर रहा है। एर्दोगन का ओआईसी से कहना है कि ओआईसी, जिसका कर्तव्य यरूशलम के मुद्दे का ध्यान रखना है, उसके लिए इन हमलों के प्रति उदासीन रवैया अपनाना अकल्पनीय है। ये जरूरी है कि संगठन बिना समय गंवाए नेतृत्व स्तर पर बैठक करे। एर्दोगन का आगे कहना है कि तुर्की हॉग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में तुर्की अमेरिकी मूल की महिला की इसराइल द्वारा हत्या के खिलाफ अपील करेगा, जिसकी मौत वेस्ट बैंक में एक प्रदर्शन के दौरान हुई थी। हम प्रत्येक कानूनी उपाय करेंगे। इजरायली नेतृत्व नरसंहार कर रहा है, जिसके लिए अपराधों के बदले उसे जवाबदेह ठहराया जाएगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब तुर्की ने गाजा या फिर हमास को लेकर कुछ कहा हो, बल्कि हालिया दिनों में तुर्की के भीतर अमेरिका के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं। 2 सितंबर 2024 को तुर्की के इज्मिर शहर में दो अमेरिकी नौसैनिकों को पकड़कर प्रदर्शनकारियों ने उनके साथ हाथापाई तक की थी। बड़ी बात यह है कि नेटो में तुर्की दूसरा ऐसा मुस्लिम देश है जिसने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ खुले तौर पर मोर्चा खोला हुआ है।